हाजी साहब से कहा जाता है कि हाजी साहब निकाल दो घर से टीवी, ये फसाद की जड़ है। हाजी साहब जवाब के अंदर कहते हैं क्यों टीवी देखते हैं, पीस टीवी। घर वाले हम क्या देखते हैं, पीस टीवी, क्यों टीवी, पैगाम टीवी है वो, दीनी चैनल, मजहबी चैनलों के नाम ले। अरे भाई केबल के ऊपर सारे चैनल आ रहे हैं, हाँ सब चीजें आ रही है, हाँ तुम हमेशा घर में होते हो, नहीं ना, तुम्हारे पीछे से क्या देख रहे हो। और सुने तेरा बात को, अभी पिछले दिनों से तकरीबन साल दो साल तीन साल से मजे की बात देखें आप, क्या हमारे पाकिस्तानी ड्रामों का मौजू ही एक रहा, एक है वो ये है बीवी का फलां से चक्कर चल रहा है, हैं वो शोहर का नौकरानियों से चक्कर चल रहा है, बहन का चचेदार भाई से चक्कर चल रहा है। हमारे ड्रामों का मौजू ही पिछले तीन साल से ये कर दिया गया है कि घरों में आज की माशूकियों के चक्कर वो किस तरीके से चलाए जाए, हुरमत वाले रिश्तों के दरमियान आज की माशूकियों बेहाई और जिना के चक्कर किस तरीके से चलाए जाए। हत्ता के हम पर एक दौर गुजर गया, हम पता है घरों में आज की माशूकी किस तरीके से होती है, उन फिल्मों को फैमिली मूवीज कहा करते थे। भाई शादी ब्याहों के उसके अंदर आज की माशूकियों के चक्कर नहीं समझे तुम, और भाई मेरे अल्लाह की कसम समझे जरा बात को, फिर तो फसाद का तीसरा दौर आया, और तीसरा दौर था मोबाइल इलेक्ट्रो सोशल मीडिया। आज कैफियत यह है कि जब मैं ब्राउजिंग कर रहा होता हूं, ये मैं ब्राउजिंग कर रहा हूं, ब्राउजिंग के दौरान में मेरे सामने जो चाहे चीज आ जाती है, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं, ऊपर कर सकता, ऐसे ही ना, यानी कि मैं चाहकर भी खुद को बेहाई से बचा पा रहा, अब मैं नहीं बचा पा रहा। आग का जिना, पहले सिर्फ कान के जिना तक हम फंसे हुए थे कि बाजार में गए किसी ने गाली दे दी, ले भाई हो गया काम, गया बोली नहीं समझे कुछ बात, पहले सिर्फ कान के जिना तक फंसे हुए थे, अब कैफियत यह है कि आंख के जिना से भी हम बच पा रहे नहीं। और सोचे जरा इस बात को कि हमारे जो नई नस्ल है कि जो इसे ही देखकर बड़े हो रहे हैं, मजहबी एतबार से उन्हें जो नुकसान पहुंच रहा है उसे तो छोड़ दें, मतलब आप देखें कि दुनियावी एतबार से और खुसूसन माशरत के एतबार से उन्हें जो नुकसान हो रहा है कि बाकायदा रिश्तों की हुरमतें उनकी नजरों से खत्म होती जा रही है। मतलब आप देखें मजे की बात कि एक 9-10 साल 11 साल के बच्चे के बाद चल रहा इस तरह के वाक्यात, 9-10 साल 12 साल के बच्चे, गर्लफ्रेंड मेरी स्कूल में गर्लफ्रेंड, अब मेरे सामने बोला बच्चे। अब आप ये देखें जरा इस बात को कि ये जो गर्लफ्रेंड का तासुर है, देखे सीधी सी बात है ना, मतलब अब हम लफ्ज सहेली सुनते हैं, लफ्ज सहेली अब सुनाई देता है ना, वो तसव्वुर खत्म हो गया, लड़की दोस्त बन गई, लड़की चाहे लड़की की हो या लड़के की, क्या बन गई, वो तसव्वुर ही सहेली का खत्म हो गया, वो तसव्वुर ही बहन होने का। वजह क्या है उसकी, वजह सिर्फ वही, हमने बेहयाइयों के लिए इतना आसान कर दिया रास्ता और हमने उनको इतना मामूली समझ लिया, नहीं कोई मसले, अच्छे खासे पर्देदार घरानों की औरतें जब शादी के अंदर जारी होती हैं तो गोया के जैसे पर्दा उनके ऊपर हराम हो गया, अच्छे दिन मेकअप वेकअप तैयार व्यार होकर, और वो जी वो पहुंच रही हो, अब तेरी तो हो गई नहीं समझे, तू क्यों तैयार होकर आई है, अब तू किसको दिखाएगी, जब पहले तो ये था कि तेरी अम्मा ये कहती थी रिश्ते नहीं आ रहे तो तुझे मॉडल बना के हॉल में फिराएगी वो कि तेरे रिश्ते आए, इसलिए अब तो तेरी हो गई, अब तू किसके लिए भाई, अब तो इस्लाम ने तुझे तो अपने शोहर के लिए हुक्म दिया था कि तू उसके लिए तैयार हो, उसके लिए तो तू भंगन बनी फिरती रहती है, आज तू तैयार होकर आइए। आप अंदाजा करें तरह बात है, क्यों नहीं होगा हमारे घरों में फसाद, और क्यों नहीं होगा जो है मतलब यानी हमारे माशरे में फसाद, ये मामूली मामूली बातें हैं, ये बधाई जब हम सुनते हैं ना बड़ा हमें हंसी आ जाती है, अचंभा सा लगता है, अरे यार ये कोई करने की बात है नहीं, यही करने की बात है, क्योंकि जो बड़े फसाद शुरू होते हैं वही इन छोटों से गुजर के शुरू होते हैं, जब ये आसान हो जाते हैं ना हमारी नजरों में। आप देखेंगे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि पर्दे के अहकाम सुनते सुनते लगे रसूल, देवर से भी पर्दा होगा, फरमाया वो तो मौत है, वो तो मौत है। आप अंदाजा करेंगे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दर्जे का पर्दे का हुक्म दे रहे हो तो असल में कहां से रोकना चाह रहे हैं, घर से ही बेहयाई को रोकना चाह रहे हैं, कि अभी जो छोटे से है ना यहीं से बेहयाई को रोको, बाजारों में जाने से पहले पहले इनको तरबियत दे दो, दीगर इदारों में जाने से पहले पहले तरबियत दे दो। आप देखें आज मतलब हमारे बच्चों को मास कम्युनिकेशन पढ़ाना हमारे लिए मजबूरी हो गया, मास कम्युनिकेशन पढ़ाएंगे उनको हम सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के लिए आगे भेजें, और आगे क्या माहौल है, कहने लगे पिछले दिनों एक साहब से बात चल रही, कहने लगे कि आप हमारे बच्चों के लिए वो जब ये बात करते हैं आर्मी और इदारों में भर्ती के वाले से बातें कर रहे हो तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वहां
करप्शन है, वहां शराब व कबाब है, आप ये क्यों भूल जाते हैं? समझे जरा इस बात, चलो भाई वहां करप्शन है और वहां शराब व कबाब है, चले मान लेते हैं, फिर क्या, फिर कहां भेजे? बैंकों में जहां सूद है, फिर कहां भेजे? चैनल्स के ऊपर जब ये है ही है, कहां भेजे? ना मसला तो सारा यही है ना कि एक जगह जहां से हम हर किस्म के सूद, हर किस्म की बेहाई और हर किस्म की बदगुमानी व करप्शन को रोक सकते हैं, वो हम जाना नहीं चाह रहे, और उसके बाद हमारे लिए बचती कौन सी जगह जहां हर किस्म का सूद और हर किस्म की बेहाई मौजूद है, जो हम चाहकर भी खत्म कर पा रहे, हम चाहकर भी नहीं खत्म कर। अभी तो 5 दिन से मौजूद बना हुआ है, वो सुबह में तो आती है, उसने भाई वो लड़की को बुलाया है, वो तवाइफ को, उसने 3 करोड़ रुपए 2 दिन में कमा लिए अपनी वीडियो से, सुनना जरा बात को भाई, उसको क्या हो रहा भाई, उसको पसीनाई मिल रही, एक नाचने वाली भाई, नाचने वाली सुनो जरा बात, नाचने वाली तवाइफ है, भले शरीफ घर की हो तवाइफ, सोचने की बात, नाचना किनका काम है भाई, तो मोर नाचता है और या फिर मोर तो है नहीं, फिर बची कौन, नहीं समझे कुछ बात, अब से आर्ट नहीं कह सकते, आर्ट अब से आर्ट कह के जान छुड़ा सकते नहीं, आर्ट चीज ही दूसरी, कम से कम आप आर्टिस्ट नहीं, ये बात समझ रहे हैं। अच्छा उसके ऊपर जो ना एक साहब ने बड़ा जबरदस्त बोला, कहने लगे कि देखें यही तो वजह है कि हमारे यहां ये तवायफ है, हमारे यहां ये मुजराई जहनीत के लोग पैदा हो रहे हैं, और हमारे यहां बहादुर शुजा वजी किस्म के लोग पैदा नहीं हो रहे, ठीक है, और वो सारी तफसील हो गई। अच्छा एंड एंड के अंदर जो ना वो जो बात थी कि क्या करना चाहिए, वो नहीं उन्होंने बताई क्या करना चाहिए, क्योंकि वो इस्लाम है, जैसे कि अगर बोल दे पर्दा तो ये कहां है, मसला सारा ये, अब वो जो तकलीफ हुई है वो तकलीफ असल में ये हुई है कि उसने नाच के 3 करोड़ रुपए कमा लिए 2 दिन, वो इन्होंने कमाए नहीं, तो ये तकलीफ हुई। अच्छा हम कह रहे हैं कि मसला इससे नहीं है, हमें मसला तो इस बात से है क्योंकि वो उसके अलावा जिसम फरोशी करने वाली हमें कमा लेती है, ये थोड़ी मेहनत करेगी तो ज्यादा कमा लेगी वो करके, लेकिन असल तो मसला हमें जिस चीज से है वो ये है कि नतीजा ये निकलेगा कि जब हमारी बहन बेटियां सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, जिनके हाथों में हमने मोबाइल दे रखा है, वो सुबह शाम जब टिकटॉक और जैसी चीजें जब वो देख रही होती है, तो वो उनकी नजरों में आखिरकार आइडियल कौन बनेगा, ये तवायफे बनेगी ना,